बुपनिया के नज़दीक एनसीआर नहर में डूबे दो युवकों में से 24 घंटे बाद एक युवक का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी। सोमवार शाम को भिवाड़ी राजस्थान निवासी दो युवक, जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जाती है, वे बुपनिया रोड पर केएमपी हाईवे के नज़दीक एनसीआर नहर में डूब गए थे। दोनों को बचाने व नहर से निकालने के लिए पुलिस व स्थानीय युवाओं द्वारा सोमवार को भी शाम को सर्च अभियान चलाया गया। देर रात तक पता न लगने की सूरत में अभियान रोकना पड़ा। आज एक बार फिर एनडीआरएफ के जवानों के साथ मिलकर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। अभियान के लगभग 24 घंटे बीतने के बाद शाम करीब 7:45 बजे एक युवक का शव एनडीआरएफ की सर्च टीम को मिला। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रमोद ने बताया कि दोनों के डूबने की सूचना अन्य राहगीरों व पुलिस को सोमवार शाम को मिली थी। सूचना नहर में डूबे दोनों युवकों के तीसरे साथी द्वारा दी गई। उसके बाद मौके पर 112 की टीम व पुलिस पहुंची। काफ़ी देर तक सर्च अभियान चलाने के बाद रात होने के कारण अभियान रोकना पड़ा। नहर में डूबे दोनों युवकों का कोई पता नहीं चल सका। जांच अधिकारी संदीप ने बताया कि आज एक बार फिर सुबह एनडीआरएफ के जवानों के साथ अभियान चलाया गया। देर शाम दोनों युवकों में से एक युवक धर्मेंद्र का शव नहर में पाया गया। आवश्यक जांच व कानूनी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में भेज दिया गया। दूसरे युवक को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि संदीप और धर्मेंद्र नाम के, जो कि रामपुरा भिवाड़ी राजस्थान के निवासी थे, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच थी, दोनों नहाने के उद्देश्य से सोमवार शाम को एनसीआर नहर में उतरे। संदीप को तैरना नहीं आता था, अचानक से उसका पैर फिसला और वह नहर में गिर गया। उसे बचाने के लिए धर्मेंद्र नहर में कूद गया। धर्मेंद्र संदीप को बचाने में तो सफल नहीं रहा, लेकिन संदीप के साथ खुद भी नहर में डूब गया। मामले की सूचना उनके साथ मौजूद एक अन्य तीसरे साथी अरशद निवासी भरतपुर राजस्थान द्वारा राहगीरों और पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया। देर रात तक दोनों का नहर में पता नहीं चल सका। बता दें कि संदीप, धर्मेंद्र और अरशद बहादुरगढ़ से ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ सामान लेकर केएमपी हाईवे से भिवाड़ी राजस्थान जा रहे थे। रास्ते में बुपनिया के नज़दीक नहर पर गर्मी ज़्यादा होने के चलते नहाने की इच्छा हुई और उनके साथ यह दुर्घटना पेश आ गई। 24 घंटे की खोज के बाद एक के शव को बरामद कर लिया गया है और दूसरे युवक की तलाश जारी है।